लखनऊ में क्वींस कॉलेज में फिजिक्स लेक्चरर हूँ। साथ ही मेरा एक संगठन है न्यू एसोसिएशन, जिसमें जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इस तरीके के मुद्दों को लेकर लोगों को अवेयर भी करते हैं और राइट टू एजुकेशन के तहत फील्डवर्क भी करते हैं। जो मलिन बस्तियाँ हैं, गरीब बस्तियाँ, उन लोगों के लिए फॉर्म भरना, उनको फिर कॉलेज में, स्कूलों में एडमिशन दिलाना, इस तरीके की चीज़ों में हमारे कार्यकर्ता इन्वॉल्व हैं। और साथ ही साथ सोशलिस्ट पार्टी से भी हम लोग एसोसिएटेड हैं, डॉक्टर संदीप पांडे जी के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज हमारे बीच में श्री नीरज जैन सर हैं। आपने बीटेक बीएचयू से किया हुआ है और उसके बाद से आप तमाम सारे सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। आपका अपना एक संगठन है लोकायत पुणे में और आप साथ में राइटर हैं। आपने 40 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं और इंडिया का सबसे पुराना अखबार जो कि 1946 से लगातार पब्लिकेशन में है सोशलिस्ट मूवमेंट के लिए जनता, आप उसके एसोसिएट एडिटर भी हैं। तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि सर आज हम लोगों के बीच में हैं और आप लगातार कॉन्स्टिट्यूशन के क्या दिशा निर्देश थे और हमारी सरकारें किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के शपथ लेकर जो सरकार बन रही हैं वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के ही अगेंस्ट काम कर रही हैं। जो जनता के इंटरेस्ट हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक मूलभूत वो है कि जनता के लिए काम करना है, वो उस तरीके का काम नहीं हो पा रहा है। तो बाकी सर स्वयं बताएंगे। तो इंट्रोड्यूस, हम लोग आज यहाँ हमारे देश के संविधान का महत्व और आज उसके सामने जो चुनौती आ खड़ी हुई है, चुनौती इस संदर्भ में कि संविधान बदलने की ही बातें चल रही हैं और ये देश जिस बुनियाद पे खड़ा किया गया था वो बुनियाद पर ही सवाल उठना शुरू हो गया है। तो उस पृष्ठभूमि में हम आज ये छोटा सा शिविर आयोजित कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक समाजवादी संगठनों का मंच बना है, हम समाजवादी संस्थाएं, उसकी तरफ से आया हूँ। हम उस मंच की तरफ से एक देशव्यापी अभियान चला रहे हैं जिसका हमने नाम रखा है संविधान बचाओ देश बचाओ, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन सेव द नेशन। उसकी पृष्ठभूमि मैं संक्षेप में रख देता हूँ कि ये अभियान हम क्यों चला रहे हैं और उसके बाद फिर हम ज़्यादा विस्तार से उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि संविधान सिर्फ एक कोई कानूनी किताब है जिसका कोर्ट से और पुलिस से संबंध है, जिसका कि हम लोगों के जीवन से कोई लेना देना नहीं है। आप यदि आम लोगों से बात करें तो बोलेंगे हाँ, या फिर अब ज़्यादातर लोग उसको डॉक्टर अंबेडकर से जोड़कर देख लेते हैं, लेकिन उसका हमारे जीवन से कोई संबंध है, देश से कोई संबंध है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कोई संबंध है, ऐसा लोगों को समझ में नहीं आता। सच्चाई यह है कि संविधान इस देश की सबसे महत्वपूर्ण किताब, यदि कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। और उस किताब में या उस पुस्तक में हमारे देश के आज़ादी के आंदोलन के जो सपने थे, जिन लोगों ने, हम जिस हॉल में बैठे हैं, ये तमाम जो खूबसूरत जगह है जहाँ पर इतने क्रांतिकारियों की तस्वीरें हैं, इन सारे लोगों के स्वप्न
उनके जो सपने थे कि आज़ाद भारत कैसा होना चाहिए, उसका निचोड़ संविधान में आया है। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। इस देश के उस समय के सारे अग्रणी उतनी लंबी 2.5 साल की, 2.5 नहीं लगभग 2.5 साल की बहस के बाद सर्वसम्मति से वो संविधान पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसका आज महत्व क्या है, क्यों उसके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना ज़रूरी है, उसके सामने जो खतरे आए हुए हैं उसको समझना ज़रूरी है और उसके इर्द गिर्द एक देशव्यापी आंदोलन चलना चाहिए कि संविधान निर्माताओं के जो सपने थे उसके हिसाब से संविधान को वाकई लागू किया जाए, उसका हमको एक देशव्यापी अभियान चलाना चाहिए। वो आज के व्याख्यान की पृष्ठभूमि है, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। मैं शुरू में एक ये जो साथी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उनके लिए एक संक्षिप्त विवरण रख देता हूँ, तो उससे आपको भी एक समरी मिल जाएगी कि हम आज क्या बात करने वाले हैं, फिर हम उसकी विस्तार में जा सकते हैं। संविधान जो है वो भारत को एक सोवरीन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित करता है अपने प्रीएम्बल में, यानी संप्रभुतापूर्ण देश है वो, एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष डेमोक्रेटिक, मराठी में जनवादी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, डेमोक्रेटिक, हाँ, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में संविधान भारत को डिफाइन करता है। जो संविधान का प्रीएम्बल है वो इस बात को पहचानता है कि स्वतंत्रता, बंधुता, समानता के मूल्य भारतीय समाज को इन आधारों पर चलना चाहिए। ये सारे जो अलग अलग मूल्य हैं आज उनको थोड़ा अलग अलग करके देखा जा रहा है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में जो अपना आखिरी भाषण दिया था नवंबर 1949 में, वो ये स्पष्ट कहते हैं कि ये सारे मूल्य बंधुता के, बराबरी के, समानता के और धर्मनिरपेक्षता के, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप उनमें से किसी एक को अलग कर देंगे और चाहेंगे कि बाकी चलते रहें, ऐसा संभव नहीं है। या तो वो एक साथ रहेंगे या एक साथ गिरेंगे। मतलब मैं ये इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि जैसे आज ये बातें चल रही है ना कि धर्मनिरपेक्षता को हटा दिया जाए, बाकी चलेगा। धर्मनिरपेक्षता गया तो उसके साथ समानता भी गई और उसके साथ समाजवाद भी गया। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से गुथी हुई हैं, हम आज इस पर थोड़ा बात करेंगे। और यही कारण भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में बार बार इस बात को दोहराया है कि संविधान के जो बुनियादी तत्व हैं, और ये बुनियादी तत्व में ये सारे तत्व मौजूद हैं, समाजवाद, समता, धर्मनिरपेक्षता, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये दोहराया है कि भले ही संसद को संविधान बदलने के अधिकार हो, लेकिन उसकी सीमाएं हैं और संविधान के इन बुनियादी तत्वों को संसद भी चाहकर बदल नहीं सकती, चाहे वो कितने भी बहुमत से पारित करे। इंग्लिश में वो उसको बोलते हैं कि दीज आर इनएलियनेबल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनको कोई भी सरकार बदल नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बार बार अंडरलाइन किया है। ये उसका एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू जिस पर हम आज और ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे वो ये है
कि इन पहलुओं पर तो काफ़ी बातें होती रही हैं, समता के ऊपर, धर्मनिरपेक्षता के ऊपर वगैरह वगैरह, लेकिन संविधान का एक दूसरा पहलू जिस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई है और हम चाहेंगे कि आज इस शिविर में उस पर ज़्यादा विस्तार से बात हो, वो है संविधान का एक दूसरा हिस्सा, संविधान के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। उसके बारे में अक्सर एक लोगों को भ्रम लगता है कि ये संविधान का थोड़ा गौण हिस्सा है, सेकेंडरी हिस्सा है, उसका उतना महत्व नहीं है क्योंकि उसको हम कोर्ट के जरिए लागू नहीं करवा सकते। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर पूरी बहस चली संविधान सभा, और उसमें ये सवाल उठा कि यदि ये कोर्ट के जरिए लागू नहीं करवा सकते तो फिर इनको जोड़ा ही क्यों जाए संविधान में, इनकी जरूरत क्या है, इनको हटा दिया जाए। तो डॉक्टर अंबेडकर ये स्पष्ट करते हैं संविधान सभा में कि ये जो सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये आने वाली सरकारों के लिए कि उनकी दिशा क्या होनी चाहिए, आने वाली सरकारें किस दिशा में चलनी चाहिए, देश को किस दिशा में ले जाना चाहिए, ये उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और आने वाली सरकारें बाध्य होंगी कि इनको लागू किया जाए। वो कहते हैं कि ये ऑप्शनल नहीं है, यानी आप चाहे तो इनको उनका उल्लंघन कर दें, बोले ना, आने वाली सरकारों यदि परिस्थितियां उतनी अनुकूल नहीं भी हुई, यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सरकारों को पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जाए। यानी वो कहते हैं स्पष्ट तौर पर कि दीज आर टू बी फंडामेंटल टू गवर्नेंस, शासन के लिए ये मूलभूत होंगे, फंडामेंटल होंगे। वो क्या कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उनका जो आर्थिक एजेंडा है वो मैं आपके सामने बहुत संक्षेप में रख रहा हूँ एक शुरुआती इंट्रोडक्शन के लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि जो राज्य है उसको इस दिशा में कदम बढ़ाने होंगे और उसको पूरा प्रयास करना होगा कि एक ऐसे समता मूलक समाज लेकर आए जिसमें कि जस्टिस, राजनीतिक और आर्थिक, यानी आर्थिक और राजनीतिक न्याय जीवन के हर पहलू में वो समाय जीवन के हर पहलू में वो डोमिनेट करे, समाज इस तरह से चले कि राजनीतिक और आर्थिक न्याय पूरे समाज में उसका प्रसार हो, राज्य को इसकी कोशिश करनी होगी। दूसरा वो कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कि सरकार को ये कोशिश करनी होगी, ये प्रयास करना होगा कि आय में असमानताएं कम हो और संपत्ति का केंद्रीयकरण ना हो, यानी देश इस तरह से चलना चाहिए कि विकास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा समता मूलक हो, समाज धीरे धीरे बराबरी की तरफ बढ़े आर्थिक मामलों। तीसरा वो कहता है कि देश इस तरह से चलना चाहिए, राज्य को ये कोशिश करनी चाहिए कि देश के जो संसाधन हैं, यानी प्राकृतिक और आर्थिक संसाधन हैं, उनका पूरे समाज के फायदे के लिए उपयोग होना चाहिए, न कि उनका कुछ लोगों के हाथों में केंद्रीकरण हो और वो उससे अपना पैसा कमाए, यानी पूरे समाज की भलाई के लिए देश के संसाधनों का इस्तेमाल होना चाहिए। फिर वो कहता है कि राज्य को इसका पूरा प्रयास करना होगा कि सारे लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और पोषण, न्यूट्रिशन सारे लोगों को उपलब्ध कराए और सारे लोगों को जीवन यापन के लिए उचित चीजें मिले। इतना ही नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये भी कहते हैं और अंडरलाइन करते हैं
कि जब हम ये सारी बातें कह रहे हैं तो उसमें मौकों की समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, यानी सबको आप शिक्षा उपलब्ध कराओ और उसमें कुछ को बहुत अच्छी शिक्षा मिले और कुछ को खटारा स्कूल मिले, तो ये मौके की असमानता हो गई ना। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और ये सारे जो संसाधनों की बात कर रहे हैं कि लोगों को शिक्षा, रोजगार पे हम आते हैं, क्या कहते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, पोषण, इसमें एक समानता की तरफ इस देश को बढ़ना होगा, सब लोगों को समान मौके मिले इन सारी चीज़ों के, ये संविधान कहता है। और आखिरी महत्वपूर्ण बिंदु, मतलब काफ़ी लंबा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मैं उसका एक सार प्रस्तुत कर रहा हूँ। संविधान कहता है, युवा शक्ति साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान कहता है कि राज्य को कोशिश करनी होगी कि सारे लोगों को रोजगार का अधिकार उपलब्ध हो। और रोजगार का मतलब सिर्फ रोजगार नहीं, वेतन ऐसा मिलना चाहिए कि सारे लोग एक ढंग का जीवन स्तर जी सकें, जिसमें कि जीवन स्तर का भी मतलब ये है कि जिसमें वो मनोरंजन और सांस्कृतिक मौके, सामाजिक मौके, जो भी समाज में उपलब्ध हों, उन सबका वो भरपूर लाभ उठा सकें। वेतन का मतलब वो है, यानी वेतन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पेट भर ले, वेतन का मतलब है कि जेब में इतने पैसे हो कि आप अपना सांस्कृतिक विकास भी कर सकें, आप अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा सकें, मतलब यदि उसको एक्सटेंड किया जाए, आप कोई किताब खरीदना चाहें, आप कोई अच्छा नाटक देखना चाहें, तो जेब में पैसे होंगे तभी तो कर पाएंगे। यानी रोजगार का मतलब सिर्फ किसी तरह से पेट भर लिया जाए, संविधान एकदम स्पष्ट कहता है, इंग्लिश में वो कहता है, एनश्योर दैट पीपल गेट अ डिसेंट वेज दैट एनेबल्स देम टू हैव अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड फुल इंजॉयमेंट ऑफ लीजर एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज। तो ये संविधान परिभाषित करता है। और उस जमाने में जब संविधान में बहस हुई, तो इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि यदि ये समाजवाद नहीं है तो क्या है? कि समाजवाद भी यही चाहता है ना, कि लोगों को सारे सुविधाएं मिले और वो भी ढंग की सुविधाएं मिले, आपको शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं, पोषण, सबका ढंग का सुविधाएं मिलनी चाहिए और समाज उस तरफ बढ़ना चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को ये उपलब्ध करा। अफसोस की बात यह है कि जब से भाजपा सत्ता में आई है, तब से संविधान के ये सारे प्रिंसिपल्स जिनकी बात मैंने की, इन सबका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। और इतना ही नहीं, भाजपा और आरएसएस के नेताओं ने कई बार ये स्पष्ट किया है कि वो सत्ता में आए हैं संविधान बदलने के लिए। आपने ध्यान दिया होगा, उनके कई बार स्टेटमेंट्स आए हैं और कभी भी आलोचना उल्टी नहीं हुई है कि नहीं नहीं उस नेता ने गलत बोला और हम संविधान का, उनके नेता स्टेटमेंट्स देते रहे हैं और बाकी पार्टी चुप रही है, इसका मतलब है कि बाकी का समर्थन, हाँ मतलब चुपचाप समर्थन है कि ठीक है हमारी बात आ गई, बाकी उस पर चुप हैं। वो संविधान क्यों बदलना चाहते हैं, ये उनके पूरे व्यवहार से स्पष्ट होता है। भाजपा और उसकी जो मात्र संस्था है आरएसएस, सच्चाई ये है कि वो संविधान का कोई भी बुनियादी मूल्य नहीं मानते। आरएसएस जो है वो डेमोक्रेसी नहीं मानती, और यही कारण है कि जब भी उनका विरोध कीजिए तो वो आप पर देशद्रोह का आरोप लगा देते हैं। कवि सम्मेलनों में गौहर रजा जैसे कवियों की कविताओं का अंश को तोड़कर और उसको पूरे संदर्भ से काटकर
बार बार प्ले किया जाता है कि जैसे कि वो देशद्रोही कवि हो, लेखकों के ऊपर, इतिहासकारों के ऊपर हमले बोले जा रहे हैं, विश्वविद्यालयों में युवा संगठन जो उनका विरोध करते हैं उनके ऊपर हमले बोले जा रहे हैं, जहाँ पर विरोध ज़्यादा है वहाँ पर पूरे विश्वविद्यालय को ही लेबल लगा दिया जा रहा है कि ये तो देशद्रोहियों का अड्डा है, और विरोधियों पर खुलेआम हमले होते हैं, यहाँ तक कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि फांसीवादी गुंडों ने हत्याएं भी की हैं, जिसमें कि काफ़ी प्रोमिनेंट जो एक्टिविस्ट हैं दाभोलकर से लेकर पानसरे और इधर कलबुर्गी, गौरी लंकेश, इन सब की हत्याएं हुई। पहली बार इस देश के इतिहास में ऐसे हुआ कि सैकड़ों की संख्या में बुद्धिजीवी सड़कों पर आकर उन्होंने विरोध किया और राष्ट्रीय पुरस्कार वापस किए, तो उसके बारे में चिंता बताने के बदले और डायलॉग ओपन के बदले उनका मजाक उड़ाया गया। यानी इतनी असंवेदनशीलता है कि उस पर भी, यानी तब भी सरकार थोड़ी भी जागरूक और सोचने के बारे में कोई सरकार सोचे कि भाई ये देश में क्या हो रहा है, इतने लोग क्यों बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि इनको डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है। आप जानते होंगे कि आजकल जहाँ जहाँ पे जिन राज्यों में भाजपा का शासन है, पहले कॉलेजों में विरोधी मत आसानी से व्यक्त हो सकते थे, अलग अलग किस्म के सम्मेलन हो सकते थे जिसमें कि आप सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं, विभिन्न मुद्दों पर डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं। अब ज़्यादातर कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में आप इस तरह के कार्यक्रम आयोजित ही नहीं कर सकते, और जैसे दिल्ली में रामजस कॉलेज का इंसिडेंट तो बहुत मशहूर हो गया जिसमें कि पूरा हमला किया गया, उस कॉलेज में वो काफ़ी मशहूर घटना थी, पूरे भाजपा के एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। हर जगह वही हो रहा है, हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति जाते हैं तो ऐसा माहौल बनाया जाता है जैसे कि जिन्ना की फ़ोटो अभी लगाई गई, जबकि जिन्ना की मूर्ति वहाँ दशकों से मौजूद है, मतलब आज की बात नहीं है। लेकिन पूरा ऐसा उलटकर और एक माहौल बना दिया जाता है। TISS पे हमला बोला गया वहाँ के विद्यार्थियों के ऊपर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में पूरा गुंडागर्दी का माहौल बनाया गया। तो इस देश में ये माहौल कि आप यूनिवर्सिटीज़, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो डिबेट का केंद्र होना चाहिए, वहाँ पर विभिन्न मत विद्यार्थियों के सामने आने चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि आप विभिन्न मत लोगों के सामने आने दीजिए और लोगों को छूट दीजिए कि उनको जो ठीक लगे वो माने आप। लेकिन ये चाहते ही नहीं है, वो चाहते हैं कि सिर्फ उनका जो नज़रिया है सिर्फ वही समाज में प्रसारित हो, वही विद्यार्थी सुने और उनको कोई दूसरा मत सुनने को ही ना मिले। फिर RSS जो है वो इक्वालिटी नहीं मानती, समानता नहीं मानती, बल्कि वो चाहते हैं कि ये समाज मनुस्मृति के इर्द गिर्द संगठित हो, जो कि महिलाओं और दलितों के शोषण को सैंक्टिफाई करती है, यानी उसको, जिसके आधार पर मतलब वो हिंदू धर्म की एक पुरानी क्या बोलते हैं उसको, लॉ बुक को क्या बोलते हैं हिंदी में, नहीं, धार्मिक ग्रंथ, कानून की किताब, हिंदू धर्म की कानून की किताब मानी जाती है। उनके RSS की जो महिलाओं की शाखा है उसके ऊपर अभी हाल में एक फिल्म बनी थी जिसमें कि उनका जो कैंप है उसके भीतर की शूटिंग ली गई है, जिसमें एक भाषण में वहाँ की एक लीडर खुलेआम बोलती है कि 18 साल के बाद महिलाओं का प्रमुख काम है शादी करना, और ये सारी लड़कियां जो नौकरी करने जाती है वो सब गलत है, और लड़कियों का काम है कि वो परिवार चलाएं। मनुस्मृति पूरी चतुर्वर्ण व्यवस्था को जस्टिफाई करती है, और यही कारण है कि दलितों के ऊपर हमले बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। ऊना की घटना बहुत मशहूर है, लेकिन वो अकेली घटना नहीं है, और दलित एक्टिविस्ट के ऊपर हमले बढ़े हैं,
उनको जेलों में डाला जा रहा है। और इसके अलावा जो सबसे सब लोग जानते ही हैं कि भाजपा धर्मनिरपेक्षता नहीं मानती, इसके बारे में क्या बोला जाए, वो तो खुलेआम जो संगठन खुद ही मुसोलिनी और हिटलर का प्रशंसक रहा है, वो जिस तरह से हिटलर और मुसोलिनी ने हिटलर ने यहूदियों को टारगेट किया जर्मनों को संगठित करने के लिए, उसी तरह से ये मुसलमानों को टारगेट करके हिंदुओं को संगठित करने के प्रयास में है। उनका फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि यदि उनकी जो परिभाषा है हिंदुओं की, उसके तहत वो मानते हैं कि 80% आबादी, उसको यदि उन्होंने संगठित कर लिया तो परमानेंट मेजॉरिटी रहेगी, और परमानेंट मेजॉरिटी रहेगी तो संविधान बदलना उनके लिए आसान हो जाएगा। और यही कारण है कि मुसलमानों के ऊपर इस देश में खुलेआम हमले हर बहाने से, कभी गौ हत्या के नाम पर तो कभी लव जिहाद के नाम पर, तो जो तमाम प्रकार के अभियान उन्होंने चला रखे हैं, ये इतना खुलेआम इस तरह के हमले इस देश में पहली बार हुए हैं, और उनकी मॉब लिंचिंग्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है। भाजपा आरएसएस का, बल्कि उनके नेताओं ने इसको कभी छिपाया नहीं है कि उनका एजेंडा ही है सेक्युलर सोशलिस्ट इंडिया को हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित करने का, और अपने इस एजेंडा को छिपाने के लिए उन्होंने एक नकली राष्ट्रवाद का पूरा डिंडोरा देश में पीट रखा है, जिसमें कि उन्होंने राष्ट्रवाद की पूरी परिभाषा को सीमित कर दिया है कि बड़े बड़े झंडे लगाए जाएं और उसकी सलामी बोली जाए और सिनेमा हॉल्स में राष्ट्रगान पर सब खड़े रहें तो राष्ट्रभक्ति सुरक्षित रहेगी। उन्होंने राष्ट्रवाद को इतना एक सीमित संकीर्ण परिभाषित करके रख दिया। लेकिन हमारा जो आज के शिविर का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम ध्यान यहाँ लेकर आना चाहते हैं कि मामला सिर्फ ये नहीं है कि वो संविधान के ये बुनियादी जो मूल्य हैं, धर्मनिरपेक्षता, समता, समानता, बंधुत्व, उस पर सवाल उठा रहे हैं। उसका दूसरा पहलू ये है कि भाजपा इस देश की वो आर्थिक नीतियाँ जो पिछले 2 दशकों से लागू हैं, जिसको कि बाकी पार्टियों ने भी लागू किया है, यानी वैश्वीकरण की जो नीतियाँ हैं, जो नीतियाँ इस देश के नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ जाती हैं, भाजपा आरएसएस ने उन नीतियों को बहुत तेज़ी से बढ़ावा दिया है, और इस देश को वो खुलेआम बड़ी कंपनियों की नफाखोरी के लिए चला रहे हैं। हम उस पर आज विस्तार से बात करेंगे। और उसको छिपाने के लिए उन्होंने ये सारा कांड रचा हुआ है, धर्मनिरपेक्षता, समानता वगैरह पर जो ये सारे मुद्दे हैं, उसके बैकग्राउंड में जो असली उनका एजेंडा है वो इस देश के संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उस पर हमला बोलने का है। इस देश में जो आर्थिक नीतियां लागू हो रही हैं वो संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ठीक उलट। संविधान कहता है कि देश के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल सारे देश की भलाई के लिए होना चाहिए, उन सारे संसाधनों का खुलेआम निजीकरण हो रहा है। एक उदाहरण है तेल के कुएं, गैस के कुएं, उन सबको प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, यानी जो संपत्ति इस पूरे देश की है, उन्होंने पूरे गैस का भंडार कृष्णा गोदावरी बेसिन का वो रिलायंस कंपनी को सौंप दिया है। और इतना ही नहीं, पहले ONGC वो जो गैस निकालकर आपको 1 रुपए में बेचती थी, अब रिलायंस उसको लगभग 6 रुपए में बेच रही। तो जिसके चलते हमने अंदाज ये लगाया है कि रिलायंस को लगभग
2 से 3 लाख करोड़ का अतिरिक्त नफा होगा, ये जो उन्होंने दाम बढ़ाने की छूट दे दी है। तो यानी देश भाई गैस तो पूरे देश की है, देश में मिट्टी के नीचे जो कोयला है वो सबका है, जो लौह अयस्क है, जो बॉक्साइट है वो सबका है। आप वो सारा का सारा उठाकर प्राइवेट कंपनियों को दे देंगे और उनसे नाम मात्र की रॉयल्टी चार्ज करेंगे और उनको आप अनुमति देंगे कि आप उसको निकाल कर और बाज़ार भाव में बेचिए, तो ज़बरदस्त लाखों करोड़ रुपए का नफा ये प्राइवेट कंपनियां उससे उठा रही हैं। संविधान क्या कहता है कि देश के साधन जो प्राकृतिक संसाधन है उनका इस्तेमाल पूरे देश की भलाई के लिए होना चाहिए, उनका इस्तेमाल निजी नफाखोरी के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन देश ठीक उससे उलट चल रहा है। खेती तबाह हो रही है, पिछले 2 दशकों में अब वो आंकड़ा 3.5 लाख क्रॉस कर चुका है कि कितने किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। इस देश में संवेदनशीलता इतनी मर गई है कि रोज कुछ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन ये खबर ही नहीं बनती। इस दुनिया में इतनी आत्महत्याएं कभी नहीं हुई, अंग्रेजों के शासन काल में किसानों ने आत्महत्याएं इतनी संख्या में नहीं की जो पिछले 2 दशकों में योजनाबद्ध तरीके से जो खेती को तबाह किया जा रहा है उसके चलते जो किसानों की आत्महत्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन ये बहस का मुद्दा ही नहीं है कि खेती इतनी तबाह क्यों हो रही है। पूरा वित्तीय क्षेत्र का निजीकरण किया जा रहा है, जिसका असर पे हम और विस्तार से बात करेंगे कि अभी समाज को अंदाज ही नहीं है कि बैंकों का निजीकरण होगा और कल कैनरा बैंक या पंजाब नेशनल बैंक अचानक यदि बंद हो जाए और कहे कि हम कंगाल हो गए और आपके पैसे डूब गए, तो आप कल्पना कीजिए कि समाज में कितने बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं होंगी जब लोग पाएंगे कि उनकी पूरी जिंदगी भर की कमाई जो उन्होंने बैंक के फिक्स डिपॉजिट में जमा कर रखी है वो रातों रात गायब हो गई। प्राइवेट बैंकों के साथ ये होता रहा है, सरकारी बैंक घाटे में होने के बावजूद सरकारी गारंटी होने के चलते आज तक अभी बंद नहीं हुई। उसकी परिस्थितियाँ तैयार की जा रही हैं कि ये सारी संस्थाएँ प्राइवेट की जाए और ज़बरदस्त तबाही आए, और वो सारी इन संस्थाओं में जो लाखों करोड़ रुपया जनता का जमा है वो सारा प्राइवेट डकैतों बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों सौंपने की तैयारी की जा रही है। निजीकरण का इतना आंधी चल पड़ी है कि रेलवेज का निजीकरण शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, इस देश की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, जो हमारी देश की संरक्षण सुरक्षा क्षेत्र की जो कंपनियां हैं जिन्होंने पिछले 6 दशकों के दौरान काफ़ी ज़बरदस्त क्षमता हासिल की है टैंक से लेकर और मिसाइल तक बनाने की, उसको भी प्राइवेट किया जा रहा है और उसको भी विदेशी कंपनियों को सौंपा जा रहा है। यानी हमारी देश की सुरक्षा अब जब ये विदेशी कंपनियां इन कंपनियों को चलाएंगी तो सुरक्षा उनके मोहताज हो जाएगी ना, कि वो हमको वो हथियार बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे या कब बंद करके चले जाएंगे। कोई देश अपनी सुरक्षा के जो यंत्र बनाने वाली कंपनियां हैं उनको प्राइवेट करके विदेशी कंपनियों को सौंपता है क्या? ये उसको भी निजीकरण करने चले। तो दूसरी तरफ बेरोजगारी आसमान छूने लगी है, जिस पर आप सारे साथी काम करते हैं। योजना आयोग अब वो नहीं रहा, उसके जो पहले के आंकड़े हैं वो योजना आयोग खुद स्वीकारता है कि इस देश में औपचारिक रोजगार का निर्माण समाप्त हो गया है। औपचारिक रोजगार कुल मिलाकर इस देश में घटे हैं। औपचारिक रोजगार मतलब फॉर्मल जॉब्स, मतलब ऐसे रोजगार जिनमें आपको बकायदा सैलरी स्लिप मिले, काम के घंटे निश्चित हों,
आपको कुछ सुविधाएं मिले जैसे पीएफ वगैरह हो, भत्ते मिले जैसे चोट लग जाए नौकरी के काम करने के दौरान तो उसमें आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले। ये फॉर्मल जॉब्स, औपचारिक रोज़गार इस देश में घट रहे हैं। आबादी बढ़ती चली जा रही है तो औपचारिक रोज़गार उसी प्रपोर्शन में, कम से कम यदि ज़ीरो ग्रोथ रेट भी हो तो कुल मिलाकर एब्सोल्यूट नंबर्स में तो बढ़ने चाहिए ना, एब्सोल्यूट नंबर्स में घट रहे। पूरे देश में नौजवान हल्ला मचा रहे हैं कि उनको आरक्षण मिले, लेकिन कोई ये सवाल नहीं उठा रहा कि कुल मिलाकर सारे सरकारी क्षेत्र में जो रोजगार हैं उनकी संख्या ही घट रही है। तो आप एक ऐसे केक के हिस्से की मांग कर रहे हैं जो केक ही नहीं है। भाई पहले केक आएगा तब उसके टुकड़ों का बंटवारा होगा ना कि कितना टुकड़ा किस जाति को मिले। यदि कुल मिलाकर सरकारी नौकरियां घट रही हैं तो आरक्षण कितना भी दे दो, जब नौकरी है ही नहीं तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो सिर्फ जो रोजगार निर्मिति हो रही है वो असंगठित क्षेत्र में हो रही है, जिसमें कि कोई न्यूनतम वेज भी कई बार लागू नहीं होती, जिसमें आप काम करेंगे तो कमाएंगे, नहीं काम पे गए तो कोई तनख्वाह नहीं। लेकिन ये पहली बार ही इस देश में हुआ है कि जो क्षेत्र यानी असंगठित क्षेत्र जो इस देश के बहुतांश 90% रोजगार पैदा करता है उस पर भी किसी सरकार ने योजना बनाकर हमला किया हो, यानी भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी और GST लागू करके असंगठित क्षेत्र पे हमला बोला और उसमें रोजगार घटे हैं। और यही कारण है कि न संगठित क्षेत्र में रोजगार है न असंगठित क्षेत्र में रोजगार है, जिसके चलते कि रोजगार की निर्मिति लगभग शून्य पे पहुंच गई। तो ये पहली बार ही हुआ है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि आज़ादी के बाद पहली बार इस देश में नेट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ ज़ीरो है। ये आज़ादी के 7 दशकों में पहली बार ही हुआ। फिर इसके अलावा एक तरफ संविधान बोलता है कि सारे लोगों को बराबरी के मौके मिले और शिक्षा स्वास्थ्य पोषण वगैरह मिले, तो देश ठीक उलट चल रहा है कि हर क्षेत्र में निजीकरण करके और ये सारी सुविधाओं को पैसों के आधार पे लोगों को मिलेंगे, यानी आपके पास पैसा है तो आपको इलाज मिलेगा, पैसा है तो 5-स्टार इलाज भी मिलेगा, और पैसा नहीं है तो आपके पास विकल्प है कि भूख से मर सकते हैं, बीमारी से मर सकते हैं, सड़क पे गर्मी से आदमी थोड़ी मरता है, लू से थोड़ी मरता है, तो मरता है असल में गरीबी के चलते, रोजगार के चलते, उस अभाव में मरता है। तो तमाम विकल्प, मरने के विकल्प आपके पास काफ़ी उपलब्ध हो गए हैं, क्योंकि मतलब इस देश में, जिस देश में कि पहले ही 40% बच्चे 8वीं पास नहीं करते, उस देश में आप पूरा निजी शिक्षा का निजीकरण का तूफान लागू कर दें और पिछले 3 सालों में अंदाज है कि 2 लाख से ज़्यादा स्कूल बंद हुए हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खस्ता होती चली जा रही है, तो इस देश में पहली बार ही हुआ। तो एक तरफ अमीरों के लिए ऐसे स्कूल हैं जहां पर 5 लाख से 15 लाख की फीस ली जाती है, और दूसरी तरफ जिनमें तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, और दूसरी तरफ सरकारी स्कूल हैं जहां पर कि न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं हैं। तो ये असमानता जितनी तेज़ी से बढ़ी है, ये इतिहास में, भारतीय आज़ादी के बाद के इतिहास में पहली बार ही हो रहा है कि इतने नंगे तरीके से संविधान का उल्लंघन करके ये सारी सुविधाएं थोड़े से लोगों के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं, जबकि संविधान उससे ठीक उल्टी बात करता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की इन सारे क्षेत्रों में। और इसका परिणाम ये है कि देश में असमानता बहुत तेज़ी से बढ़ी है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स अखबारों में आई हैं कि अब देश की हालत ये हो गई है कि देश की 60% संपत्ति सिर्फ 1% लोगों के हाथों में केंद्रित हो गई है, और वो आंकड़ा भी बढ़ता चले जा रहा है, क्योंकि एक और रिपोर्ट अभी आई है
कि पिछले एक साल में देश में जो संपत्ति का निर्माण हुआ उसका 73% ऊपर के 1% लोगों के पास गया है। यानी पहले से ही 60% संपत्ति थी, ऊपर से जो नई संपत्ति का निर्माण हो रहा है वो भी अधिकांशतः ऊपर के ही एक छोटे हिस्से के जेब में जा रहा है। यानी गरीब आदमी और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहे हैं, जिसके चलते कि अरबपतियों की संख्या अब इस देश में दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। तो एक तरफ अरबपतियों में ये देश दुनिया के तीसरे नंबर पर है, तो दूसरी तरफ भूखमरी में, अशिक्षा में, बीमारियों से मरने वाले में भी ये देश नंबर एक है। तो ये जो दो ऑपोजिट पोल्स हैं, जो ये ध्रुवीकरण बढ़ता चले जा रहा है, जो देश के आज़ादी में ये सारे हम जिस कमरे में बैठे हैं इन सारे लोगों ने कुर्बानी जिस देश के लिए दी थी, जिस देश के सपने उन्होंने देखे थे, जो सपने इस देश के संविधान में सार के रूप में आए हैं, ये देश उनके उसके ठीक खिलाफ जा रहा है। तो हम आज इन्हीं सारी चीज़ों पर और विस्तार से बात करने जाएंगे, और ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि देश भर में एक मुहिम चलाई जाए, कि ज़रूरत ये है कि एक ऐसा, यानी सारी पार्टियों के साथ ये बहस चलाई जाए, विपक्षी पार्टियों के साथ, कि जब आज के माहौल में विपक्षी पार्टियां भाजपा को हराने की ज़रूरत समझकर वो साथ में आ रही हैं, तो उसके साथ ही एक वैकल्पिक एजेंडा हो, एक न्यूनतम कॉमन प्रोग्राम बने कि देश के संविधान को वाकई लागू किया जाए। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये जो जिन मुद्दों पर आप सब साथी काम कर रहे हैं, इनको डिफाइन किया जाए संविधान की रोशनी में कि संविधान ये कहता है, हमारा ये संविधानिक हक है कि हमको ये सब अधिकार मिले। ये देश 7 दशकों के बाद इस देश में इतनी संपत्ति का निर्माण हो चुका है, इस देश के पास इतने पैसे हैं, हम आज इस पर और विस्तार से बात करेंगे कि ये सब कुछ लागू हो सकता है, सारे लोगों को बढ़िया शिक्षा, बढ़िया रोजगार उपलब्ध हो सकता है, सारे लोगों को बढ़िया स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं, इस देश के पास आज इतनी साधन है, इतनी संपत्ति है कि ये सब हो सकता है, किसानों की आत्महत्याएं बंद होनी चाहिए, वो बंद हो सकती हैं, खेती को खुशहाल बनाया जा सकता है, वो नीतियों का सवाल है। तो ये सब कैसे हो सकता है, आज ये संभव है, हम इस पर आज इन सारे पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद।